नमस्कार। अरे अब तो पीछा छोड़ दो बेचारे भारत बाबू का, काहे परेशान कर रहे हो ने? हाओ हाओ, दो चार कागज पे साइन करवाने थे, लो भारत बाबू कबूतर बिठाए दो। भारत बाबू, आपका तो एक ही पंखा था, ये दूसरा कहां से आ गया? ये हमारा पंखा है। तो फिर दूसरा किसका है? दूसरा वो जो आपने कोर्ट से दिलवाया था ना, वो है। इसका मतलब जो पंखा आपको अदालत से मिला था वो आपका था ही नहीं? जी नहीं, पंखा आपका था नहीं और आपने अदालत में झूठा हलफनामा देकर पंखे की कस्टडी ले ली। आपको मालूम है आपने कितना गंभीर अपराध कर दिया? अब क्या होगा? थाने चलना पड़ेगा। अरे कुशवाहा साहब, मेरा बेटा अभी अभी जेल से वापस आया है, उसे फिर थाने मत ले जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। त्रिपाठी जी, आप ही कुछ कहिए ना। अरे जाने दे खुशवा, अभी अभी जेल के आ रही है। देखो साहब, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन SHO इज इक्वल टू 5,000 रुपीज। ठीक 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 है, मैं 5,000 रुपये लेके आता हूँ। एक मिनट बाबूजी, आप इन्हें कम दे रहे हैं, मैं इन्हें कुछ ज्यादा देना चाहता हूं। तूने ऑन ड्यूटी एक हवलदार पे हाथ उठाया? लगता है जेल जाके पागल हो गया है। मैं कह रही हूं इसका पूरा इलाज करना पड़ेगा। हाँ, बताइए। पर्सनली मत लेना, ये सिस्टम के गाल पे एक आम आदमी का तमाचा है। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।